मंसूर साहब, हमारी मीटिंग हुई थी, आपके आप साथ थे, जबरदस्त मीटिंग हुई। मतलब पहले भी मैं इनको, जब ये अपनी इलेक्शन की मुहिम चलाते थे सदर पाकिस्तान, उस वक्त भी मैं इनके बड़ा करीब रहा, रिपोर्टिंग करता रहा। इनका मिजाज आज भी मैंने उसी तरह अवामी देखा। तो ये कुछ हमारे दोस्तों की ये राय थी कि ममनून हुसैन ऐवान सदर में होते थे वो बेबस है, और इनके पास जो है वसी काम है, जिस तरह उन्होंने खुद भी बताया। जी तो जी जो सदर पाकिस्तान से मीटिंग के बाद आपने इनको पाया, क्योंकि पहले भी आप कराची में इनको अच्छे तरीके से करीब से देखते हैं, उसके बाद एमएनए की हैसियत से भी आपने इनको देखा था, तो उसके बाद जो इनके काम है, कौन कौन से काम इन्होंने वहां मीटिंग में उस वक्त रखे थे, और उसके बाद आपको क्या उम्मीद है कि आरिफ अलवी साहब जो है बहैसियत सदर पाकिस्तान और खासतौर पर कराची से, तो क्या उन्होंने किया है और क्या अचीव कर लेंगे? हाँ, शायद मैं फ्रेंकली बताऊं, सदर पाकिस्तान से जो मेरी बातचीत हुई, क्योंकि पहला इंटरेक्शन था उनके सदर बनने के बाद, और मुझे अफसोस हुआ कि मैं कोई और सवाल ऐसे करता। उनसे मैं इतना इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस हुआ हूँ, सिर्फ खाली नोट नहीं ले रहे थे उन्होंने, जो अपनी की नोट या स्टार्टिंग एक एड्रेस था 15-20 मिनट का, उसमें जो उन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन और विमेन एम्पावरमेंट की बात की, वो उनकी सोच ही अक्कासी कर रही थी। और ये एक सबक था, अगर हमारे गवर्नर साहब भी वहाँ मौजूद होते, अगर इंसान के अंदर विल हो काम करने की, आईनी रुकावट उसमें रुकावट नहीं बनती, आईनी कदगन उसको रोकती नहीं है। मैं अगर बाहर निकल के इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ, आईन मुझे नहीं रोकेगा, क्या मैं कितने बड़ा होता हो क्या छोटा होता हो। सदर साहब उसका एक जीता जागता नमूना है और इनको मैं फॉलो करता रहा हूँ, और इसी तरह बस उनसे बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने जिस तरह डिटेल में जवाब दिए, स्पेशली चूंकि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मीटिंग थी, डिजिटल मीडिया कह लें, यूट्यूबर्स कह लें, तो उस तरफ ज़्यादा हुआ। और अगली अगर कभी ज़िंदगी रहे मुलाकात होगी तो यकीनन बेहतर अंदाज से सवाल होंगे काफ़ी लोगों के, बशमूल मेरे। कुछ आप जैसे पॉलिश से जो टू द पॉइंट बात की, मैंने टू द पॉइंट नहीं की, लेकिन वो मौके के लिहाज से मुनासिब नहीं थी, और तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि नहीं, मुझे उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव करना चाहिए था, सब्जेक्टिव नहीं करना चाहिए था। तो नथिंग, मतलब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन मिला। और सबसे बड़ी चीज़, ऑब्वियसली आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपकी भी पूरी एक रेकी होगी, आपकी पूरी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, तब आपको वहाँ बुलाया जाता है। मैं फर्स्ट टाइम गया था, जिस तरह का प्रोटोकॉल मिला, हेड्स ऑफ टू इमरान खान के, अगेन एक पानी की बोतल, एक प्याली आधी चाय की और बिस्किट, दिस इज़ वेरी गुड। और फिर बाहर जब मैं पहुँचा हूँ, शायद यकीन जाना कि मैं पहले गवर्नर जाता रहा हूँ, तो वो कोई चीज़ नहीं ले जाने थे, गाड़ी तो दूर की बात है, शनाख्ती कार्ड चेक करके फिर वो सिक्योरिटी क्लियरेंस लें, आप अंदर चले जाएँ। अब उन्होंने मुझसे कहा जो बाहर थे कि शनाख्ती कार्ड देखा, उन्होंने कहा ठीक है सर। मैं गाड़ी से उतर गया, उन्होंने कहा आप गाड़ी क्यों नहीं लेके जा रहे, मैंने कहा वॉक करके चला जाऊँगा, कह नहीं सर गाड़ी लेके जाएँ। उन्होंने, इसका मतलब है कि मेरी गाड़ी तक की क्लियरेंस मौजूद थी, बाय नंबर थी, मैंने नंबर किसी से शेयर नहीं किया था। हम जो कभी कभी बात करते हैं ना अपनी एजेंसियों की, हमें फख्र करना चाहिए कि वो, मैं उसको सिक्योरिटी रिस्क नहीं कहूँगा, वो मेरी इज्जत अफजाई है। जब मैं गाड़ी से उतरा हूँ, मुझे ड्राइवर को कहीं भेजना था, वहाँ जो अर्दली या जो उनका प्रोटोकॉल वाला खड़ा था, उसने कहा सर यहाँ वीआईपी में पार्किंग कर लें, मैंने कहा नहीं मुझे इसको कहीं भेजना है। तो जब वापस भी आया, मुझे नहीं पता था आप लोग इकट्ठे हुए हैं, मैंने वो बड़ा अच्छा चांस मिस किया। हकीकत है कि वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी होगा, और मेरी इनसे बाबर डर से भी बात हो रही थी कि इंशाल्लाह इस वीक में किसी वक्त या नेक्स्ट वीक कराची में बैठते हैं, गप करते हैं, और मैं मेज़बान हूँगा और आप सब मेहमान होंगे, हम कहीं इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, गपशप करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कोई और चीज़ आप पूछना चाहें? मंसूर साहब, अक्सर जैसे तासुर ये मिलता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से, मुख्तलिफ मीडिया के दोस्त हों, उनकी किसी ना किसी तरीके से वाबस्ती हो जाती है, या हमदर्दियाँ, या कोई लालच या कुछ वजह होती है जिसकी वजह से वो बड़े क्लोज रहते हैं, चाहे वो एमपी एमएनए हों या सियासी लीडरान हो। अच्छा, यहाँ पर हमारी, आप जिस तरह वहां थे, मेरे ख्याल में जितने भी साफी दोस्त थे, शायद ही चंद लोगों को आप जानते हो टीवी स्क्रीन की वजह से, मेरा नहीं ख्याल के किसी को आप जानते हो, मैं मुझे जो खुद जाती तौर पर अंदाज। किसी एक को भी नहीं जानता था। हद यह है कि आपसे मेरी तो फोन पे बात थी, वहां मैं आपको नहीं जी पहचाना जी था। जी बिल्कुल। तो मैं ये चीज देख रहा हूं कि जिस तरह आपने खुद भी इस चीज को महसूस करते हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है पीटीआई की, तो आप ये नहीं समझते कि उस सोशल मीडिया की पावर और उसके बाद फिर ऐसे अननोन लोगों को बुलाकर वहां एक सदर पाकिस्तान के सामने बिठाना, ये बड़ी बात नहीं थी कि
यहाँ पे आना के जो जितने भी लोग हैं पीटीआई के कराची में खासतौर पर, वो आम लोग उनको नहीं जानते, चंद लोगों को, डॉक्टर आर एफ अलवी साहब चंद लोगों को जानते हैं, सब लोगों को नहीं जानते। तो ये मेरा ये मानना है या मेरा ये एहसास है कि जैसे सोशल मीडिया की पावर की वजह से बुलाया गया वहां लोगों को, वहां तफसील से सारी बात की गई है, बहुत तफसील से की गई, और ऑब्वियसली ये एक एजाज की बात है। और एक ये मुझे बड़ा क्लियर मैसेज मिला कि जो जैसे आप बोलते हैं, आप तो बाकायदा रिपोर्टिंग करते हैं, जो मैं बोलता हूँ वो कहीं ना कहीं सुना जाता है। मेरा चैनल कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, मैं एक नैरेटिव को लेके चल रहा हूँ, नैरेटिव लेके चल रहा हूँ मैं सिक्योरिटी फोर्सेज को सपोर्ट करने की, नैरेटिव मैं पीटीआई को सपोर्ट करने की नहीं कर रहा, इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट करता हूँ, पीटीआई की कमी कोताहियाँ मैं हाईलाइट भी करता रहता हूँ, नैरेटिव मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स को लेके चलता हूँ। तो बहुत मुझे पता लगा, बहुत खुशी हुई, और ये एक देखें कमाल की चीज़ है कि जो भी खान आरिफ अलवी साहब या जो भी उनके चुनिंदा फोकल पर्सन करीबी लोग होंगे, उन्होंने जिस तरह सिलेक्शन की लोगों की, कराची में पीटीआई के ठेकेदार बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत सारे हैं, हर आदमी चौधरी बनता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, बाकी नीचे रहता था वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, लेकिन उनमें से किसी को नहीं बुलाया था। देट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। मैं तो सोचा था कि बड़े बड़े जुगादरी आए हुए होंगे, मैं कहीं कोने में बैठ जाऊंगा, बल्कि शायद आपसे मैंने पूछा भी था फोन पे कि मैं आऊंगा तो कोई बात करने का मौका भी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उस दिन तो मौका ही मौका था, मौका ही मौका था। दैट वाज वंडरफुल इवेंट, मतलब बहुत अच्छा लगा। और ये एक अपनी इज्जत की बात होती है कि इवन किसी कोई भी पार्टी का सरबराह हो आई नहीं और वो बुलाए मिलने को, वो एक इज्जत होती होती है, वो आई नहीं होने की वजह से। सर इस तरह मुझे कुछ बताया गया है कुछ दोस्तों की वजह से, दोस्तों की तरफ से, कि कुछ दिन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी आएंगे और इंशाल्लाह इसी तरह की एक मीटिंग होगी यहाँ कराची के यूट्यूबर्स हैं। और देखें आपका हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम किसी सियासी जमात या उनके नैरेटिव को छोड़ के अपने मुल्क और कौम और अपनी रियासत के लिए बात करें जो ठीक हो। मैं अदालतों की रिपोर्टिंग करता हूँ, वहाँ जो खामी होती है मैं कोशिश करता हूँ, मैं अगर टीवी पर हाईलाइट नहीं कर सकता तो मैं YouTube पे लाजमी हाईलाइट करता हूँ। मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के फटे हुए दीगर जजेस से, तो मैंने वो भी रिपोर्ट किए, और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं कोशिश करता हूँ हाईलाइट करूँ, और कहीं ना कहीं वो जरूर चीजें जाती हैं पहुंचती हैं, लेकिन हमारा मकसद यही है कि हम मुल्क और कौम के लिए जो हमारा फर्ज बनता है, जो हम पर लाजिम है, हम अगर वो दो एक चुटकुले बीच में डाल के अगर ब्रेकिंग न्यूज बना दे टीवी पे फ्लैश कर रही हो, जिस तरह आप देखते हैं कि कुछ हमारे जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्त हैं जो मुसलसल लगे होते हैं चुटकली बीच में अपने जाती तजिये तबसरे डाल के, और उसके बाद पूरा दिन आप देखते हैं एक मुहिम चल रही होती है रियासत के खिलाफ, तो हम उस रियासत के खिलाफ जो बात करने वाले हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको एक्सपोज करें, उनके खिलाफ बात करें कि रियासत के ये हक में नहीं है, और इंशाल्लाह इस पे कायम रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और इंशाल्लाह यही मेरा कॉज है। और आप देखते हो कि मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर सिटीजन हूँ, अपनी हिम्मत से बढ़ के कोशिश करता हूँ, उस वक्त आपने देखा होगा मुझसे स्टेज उतरी भी नहीं जा रहेंगी, लेकिन मतलब बात हुई ना खान साहब की, जब तक जिंदा है इंसान जब तक वो रिटायर नहीं होता, जिस दिन रिटायर होगा समझ लो वो मर गया, तो दैट इज द थिंग। और इंशाल्लाह आप तो यंग हो, पूरी जनरेशन यंग थी, एंड आई वाज द ओनली सीनियर पर्सन देयर इन टर्म्स ऑफ एज, उम्र के लिहाज से वो बहुत बड़ा एहसास था। और इंशाल्लाह फिर गैदरिंग भी करेंगे, बैठेंगे और आपसे भी गाए गाए फोन पे तो गपशप होती रहेगी ताकि, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा लगा शायद, और यकीनन सब लोग भी अच्छे होंगे, बाकी लोगों से बातचीत होगी, आपकी जिस तरह कमांड है ना अपने शोबे पे रिपोर्टिंग पर, बहुत इंप्रेसिव है, बहुत इंप्रेसिव है, और मेरे लायक कोई खिदमत हो उसको हाईलाइट करने में मैं आधी रात को हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिखाए, बहुत तरक्की दे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामती दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, इस तरह जिस तरह मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह करे इसी तरह जारी और सारी रखें। बहुत शुक्रिया।